भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रहती है। भारतीय टीम को पहला झटका 17 रन के स्कोर पर लगता है। संजू सैमसन 7 गेंदों पर मात्र 10 रन बनाकर तस्कीन अहमद की गेंद पर सांतो को कैच देकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद संजू के साथ ओपनिंग करने उतरे अभिषेक शर्मा भी 11 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। भारत का दूसरा विकेट 25 रन के निजी स्कोर पर गिर जाता है। उसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव भी कुछ खास नहीं कर पाते हैं। सूर्य कुमार यादव 10 गेंदों पर 8 रन बनाकर मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर आउट हो जाते हैं। सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 41 रन हो जाता है और भारतीय टीम यहां पर मुश्किल में दिखती नजर आती है। लेकिन यहां से नीतीश रेड्डी और रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 49 गेंदों पर 108 रनों की शानदार साझेदारी करके भारतीय टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 13.3 ओवर में 149 रन पर पहुंचा दिया। नीतीश रेड्डी ने 34 गेंदों पर 74 रनों की शानदार पारी खेली और रिंकू सिंह ने भी 29 गेंदों पर 53 रनों की ताबड़तोड़ शानदार पारी खेली। हार्दिक पांड्या ने भी 19 गेंदों पर 32 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। रियान पराग ने 6 गेंदों पर 15 रन बनाए। भारतीय टीम ने 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 221 रन बनाए। 222 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत बेहद खराब रही। 42 रनों के नुकसान पर बांग्लादेश के 3 विकेट परवेज हुसैन, नजमुल हुसैन सांतो और लिट्टन दास का विकेट खो दिया। उसके बाद मोहम्मदुल्ला और मेहदी हसन मिराज के बीच 27 गेंदों पर 34 रनों की शानदार साझेदारी होती है, लेकिन 85 रनों के स्कोर पर मेहदी हसन मिराज आउट हो गए। उसके बाद बांग्लादेश की टीम 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर मात्र 135 रन ही बना सकी और भारत ने 86 रनों से दूसरे टी20 मैच को आसानी से जीत लिया। इस मैच में नीतीश रेड्डी को मैन ऑफ द मैच पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, ऐसे ही क्रिकेट से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।